अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। एक्वेरियस 24 to 30 अक्टूबर वीकली होरोस्कोप है। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? वीकली होरोस्कोप आपको हर बार देने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, आपको समझ आ जाती है प्लैनेट्स किस रूप पे जा रहे हैं और कौन कौन से स्टेप्स लेना बेहतर है और किन स्टेप्स से गुरेज करना आपके लिए बेहतर होगा। दो बड़ी तब्दीलियां आपके पिछले वीक में आई। सबसे पहली जो बड़ी तब्दीली थी वो तो मरकरी का स्टैंड बाय होना था और कंबस से निकलना था। मरकरी चूंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है इसलिए इसकी अहमियत अपनी जगह बहुत ही मुसल्लम है। आप सारा दिन जो भी करते हैं वो कम्युनिकेशन है। आप चाहे किसी खानगी माहौल में हो, आप हाउसवाइफ हो, आप एक ऑफिस में काम करते हो या पब्लिक रिलेशन में हो, आपकी कम्युनिकेशन ही सबसे अहम चीज है। और अगर आपका ब्रेन फ्री हो और कंफर्टेबल हो तो फिर मामला बड़े ही आसान होते चले जाते हैं। दूसरी बड़ी तब्दीली सन की शक्ल में आई जो कि 23 अक्टूबर को आपके साइड के 10वें कैरियर रोजगार के घर में आया। 10th हाउस की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है और सन आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। इस तरह दो कुलीदी जो पार्ट हैं आपके चार्ट के वो बहुत ही जबरदस्त और स्ट्रांग हो गए। तीसरी बड़ी तब्दीली अब आएगी जबकि मार्स आपके 10th हाउस का लॉर्ड होते हुए आपके 10th हाउस में 30 अक्टूबर को जो है ये आ जाएगा। सो इन तमाम चीजों पे आज बात करेंगे और इसके अलावा जो आपकी जिंदगी के बाकी उमूर हैं, आपकी वेल्थ हेल्थ आपके बाकी चीजें वो सब भी इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। इन सब चीजों पर बात करने से पहले बताता चलूं, हमने पिछले वीक भी अनाउंस किया था कि जायचा बर्थ चार्ट पे जो है ऑफर लग चुकी हुई है जिसके लिए बहुत सारे लोगों को इंतजार था। आप अगर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो इस डिस्काउंट ऑफर से जो है जो कि रबी लेवल की ब्लेसिंग्स के हवाले से ऑफर की जाती है इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आपने स्टोन रेमेडीज लेना चाहते हैं तो भी आप वहीं पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट स्टोन आपके लिए ब्लू सफायर, बेहतरीन जम स्टोन है आपके लिए। इसके अलावा येलो सफायर भी आप या एमरल्ड आप वेयर कर सकते हैं। आपकी फाइनेंस और आपके कैरियर रोजगार दोनों चीजों पे बड़े ही अहम असरात इसके मुरतब होंगे। एक्वेरियस के लिए ब्लू सफायर, इसके अलावा लेपिस और हेमाटाइट, ये तीनों बहुत ही जबरदस्त रहे, हमेशा से बड़े जबरदस्त रहते हैं। सो आपके लिए ये जम स्टोन जो है वो हमने अवेल किए। आप हमारी वेबसाइट javajem.com विजिट करके अपने घर बैठे बेहतरीन जम स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जुपिटर और सैटर्न आपके असेंडेंट में जो मौजूद हैं इनके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। जुपिटर आपको एक स्ट्रेंथ देता है, एक पावर देता है अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ये नॉलेज देता है, विजडम देता है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन करता है, आपको हिकमत और दानाई की तरफ लेके जाता है। सैटर्न आपको तदब्बुर देता है, आपको हौसला देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको पावर देता है। सो ये दोनों आपके असेंडेंट में मौजूद है, बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है ये बनी हुई है। सोने पे सुहागा मरकरी जो कि 9th हाउस में मौजूद है ये यहां से तसलीस की नजर बना रहा है आपके 1st हाउस के साथ। इस तरह नॉलेज भी गेन होगा, इज्जत वकार में इजाफा होगा, दुश्मनों के ऊपर फतेहयाबी आपको मिल सकेगी और आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान बहुत ही रोशन हो जाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे आप, स्केल 12 से 14 का हो या आपको स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, दोनों सूरतों में आपके लिए बेहतरीन मौके जो है वो मौजूद है। इसके अलावा मरकरी जो कि आपके 5th हाउस का लॉर्ड है सो ये आपको इनामी स्कीमों पार्टिसिपेशन की तरफ भी लेके जाता है और नॉलेज के साथ साथ कुछ तफरी की तरफ भी लेके जाता है। आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करवा सकता है जिसका मेन कॉज जो है वो नॉलेज गेन करना होगा और आप उसमें बड़ी अच्छे तरीके से कामयाबी होते चले जाएंगे, याददाश्त में आपकी बेहतरी आएगी और इसके अलावा बच्चों के साथ मिलके आप कुछ रूहानी मामलात के ऊपर भी डिस्कस करते नजर आते हैं। फाइनेंशियल मामलात आपके बहुत अच्छे, बहन भाई अजीजों कारब के साथ रिलेशनशिप को आपको थोड़ा सा बस संभाल के चलाना पड़ेगा चूंकि मार्स जो है 180 डिग्री पे मौजूद है आपके 9th पार्ट में। ये हफ्ता मजीद आपको थोड़ी सी टॉलरेंस से काम लेना होगा और ट्रेवल आपका नजदीकी हो या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो अपनी सेफ्टी मेजर्स को लाजमी जो है वो फोकस कीजिएगा। हर मंगल को, बल्कि एक ही मंगल आनी है, 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका लाजमी दीजिएगा। अगर आप बाइक चलाते हैं तो स्ट्रांगली कहूंगा कि हेलमेट को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए ये बेहद जो है वो जरूरी होगा। इसके अलावा चूंकि
आपके चौथे घर का आकिम 11वें घर में मौजूद है। सो प्रॉपर्टी सवारी और खरीदो फरोख्त, घर घर की तजीन और आयश, इस हवाले से आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से जो है वो इस मौके की तलाश में थे कि कुछ बेहतर प्रॉपर्टी आप हासिल कर सकें, कुछ बेहतर और कुशादा रोशन घर, तो उसमें अब इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती भी नजर आती है। स्पेशली आपकी फैमिली आपकी ख्वाहिशात की तकमील में आपको बेहतरीन मामला जो है वो भी करते नजर आते हैं। इसके बाद पांचवें घर सातवें घर का हाकिम आपके आपके जायचे के दसवें घर में, शाकदारी की आपको ऑफर हो सकती है। आपका शरीके कार आपकी तरक्की के हवाले से पूरी तरह फोकस होगा और इस वक्त उसकी लीड्स पे काम करना आपके लिए तरक्की की राहें जो है वो खोल देगा। इसके अलावा डेली वेजेस पे काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें बेहतर मौके मिल सकेंगे और आपके शरीके कार के साथ भी आपका रिलेशनशिप के साथ साथ सॉरी आपके शरीके हयात के साथ भी आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगा। ये आपका जो बेटर हाफ है ये आपको मौका फराहम करेगा कि आप पूरा फोकस कर सकें अपने कैरियर पे अपने रोजगार पे। दसवें घर में मौजूद सन आपको नेम और फेम जो है ये दिलवा रहा है, आपको इज्जत शोहरत वकार स्पेशली कारोबारी हल्के में जो है वहां पे मिल सकेगी। और इसके अलावा जो पेशा वराना जिंदगी के जो अमूर हैं उसको आप बहुत बेहतर तरीके से जो है वो अंजाम पसीर ले सके, कारोबारी जिंदगी में एक नुमाया पोजीशन आप हासिल कर सकेंगे। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं तो आपको जो है तरक्की मिलने के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन है। आप मर्तबा हासिल कर सकेंगे, सियासी तौर पर भी ताकत और तसल्लत आपको जो है मिल सकेगा, जिसको कहते हैं पावर और अथॉरिटी, ये दोनों चीजें आपको जो है मिल सकेंगी। अपने जरिया माश को चेंज करने के बारे में भी आप संजीदगी के साथ सोचेंगे और नए मौके नई चीजें नई प्रिपरेशन आपके जो है वो सामने आ सकती है। ग्यारहवें घर में आपके वीनस मौजूद है जो कि ये शो करता है कि आपकी फ्रेंडशिप में ऐसे लोग आएंगे जो कि मुआशरे में बहुत ही लग्जरियस जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। जिस भी स्केल पे आप हैं आपसे बहुत बेहतर पोजीशन के लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप जो है ये बढ़ेगा और इसी तरह आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो कर सकेंगे। और ग्यारहवें घर में वीनस का मौजूद होना जो कि आपके चौथे घर का भी आगे वाजे इंडिकेशन है कि प्रॉपर्टी सवारी के असूल में आपके दोस्त अहबाब भी आपको मदद करेंगे और आप हसब ख्वाहिश मामला को जो है वो बेहतर कर सकेंगे। और अगर आप अपनी जहां पे रहते हैं वहीं पे कुछ इंटीरियर का काम बेहतर करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलती हुई नजर आती है। सो ये था इस हफ्ते का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ इसकी रोशनी में आप अपने लिए बेहतर तौर पे जो है वो प्लान कर सकेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे चैनल रजा जावा से आपको मंथली और उसको भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।